टेक्निकल आई है मेरे पास दोस्तों, स्वागत है। मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा कैसे फोल्डर को लॉक करते हैं और उसको कैसे डिलीट करते हैं बिना स्टार्ट ईयर के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले आपको जो भी फोल्डर आपको लॉक करना है या उसको डिलीट करने से बचाना है तो पहले आप दोस्तों उस फोल्डर पर आप जाइए। तो फोल्डर पर पहले दोस्तों आप यही, तो मैं पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर में पहले मैं एक बना लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो दबाने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इसको डिलीट करने से बचाते हैं और बिना सॉफ्टवेयर के, और इसको डिलीट करने से कैसे बचाते हैं और इस फोल्डर को लॉक कैसे करते हैं। तो दोस्तों तो पहले जमीन बातें हो तो मैं चलते हूँ काम की बात करते हो। दोस्तों पहले आप फोल्डर से रख रहे तो इसको क्या करना है, फोल्डर में देखिए, फोल्डर में दोस्तों इसमें तो कुछ है नहीं, तो मैं इसमें कुछ पहले कुछ डाल देता हूँ वीडियो। तो दोस्तों मैं पहले एक वीडियो डाल देता हूँ दोस्तों, मैं यही वीडियो डाल देता हूँ। वीडियो डाल दिया तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, तो आपको इस पर प्रॉपर्टीज भी जाने के बाद देखिए एडिट भी जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर सब अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद ओके कर दीजिए। वो देखिए दोस्तों आप बोल रहे हैं कि आपकी सहमत है, तो हाँ मैं सहमत हूँ, सहमत कर दिया। तो दोस्तों देखिए अब फोल्डर ओपन नहीं होगा दोस्तों, फोल्डर ओपन नहीं होगा दोस्तों, ओपन करने देखिए नहीं हो रहा है, देखिए ये नहीं हो रहा है फोल्डर। तो क्या करना है आपको, तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, पहले देख रहे हैं डिलीट हो जाए, डिलीट कर दे रहे हैं तो कंटिन्यू पे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों डिलीट हो रहा है कि नहीं, देखिए एक बार नहीं होता दूसरी बार हो सकता है, नहीं दोस्तों तो होगा ही नहीं, आप चाहे जितनी बार ट्राई कर लेंगे ये फोल्डर डिलीट हो गए हैं। तो क्या करना है इसको, तो मान लीजिए इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में फिर वही सेम वही करना है, सिक्योरिटी भी जाना है यहाँ पर, एडिट भी जाना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर भी जाना है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ मार्क मारे हैं वो सब हटा दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। तो मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर ओके। अब देखिए दोस्तों अब ये डिलीट भी हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं, देखिए दोस्तों ओपन हो गया, तो आप डिलीट भी हो जाएगा। तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मैं लाता रहता हूँ चैनल, और साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो ले आऊँ तो आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियो देखिए, धन्यवाद दोस्तों।